विक्रम वेदा मैंने देखी, मैं तो बस यही एक ही बात कहूँगी कि ये मुझे ओरिजिनल से अच्छी लगी रीमेक। द साउंड BGM इसका स्कोर बहुत अच्छा है। एक्टिंग की तो मैं क्या ही बात करूँ, ऋतिक रोशन उन्होंने तो मतलब इस मूवी को मतलब चार चांद लगा दिए। यस, सैफ अली खान और उन्होंने भी उतना ही मतलब टक्कर दिए आपस में, अच्छी लगी मुझे मूवी। कोई डिफरेंस नहीं है, अच्छा रीमेक मैंने आपसे कहा ना कि वो जो फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी है, बट लेकिन मुझे ओरिजिनल से ये रीमेक अच्छी लगी। पाँच में से पाँच। बिल्कुल, ऑडियंस को तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप ये टिकट्स जल्द से जल्द बुक कीजिए एंड कम एंड वॉच विथ योर फैमिली। फैमिली एंटरटेनर है, ब्लॉकबस्टर है। देखा था उससे थोड़ी और ज़्यादा ग्रेसफुल हो सकती थी, और ज़्यादा बड़ा लेवल हो सकता था, बट फिर भी ऋतिक ने बहुत अच्छा अपने आप को करा और साथ ही साथ सैफ अली खान ने बहुत अच्छा साथ दिया। अच्छी है फिल्म जिसमें वो कहानी हर बार कहानी के लिए बोलता है कि फिर से एक बार कहानी सुना हुआ, और क्लाइमेक्स अच्छा है, किस तरीके से रिवील होता है सारा, बहुत अच्छी तरीके से पुष्कर एंड गायत्री ने डायरेक्ट किया। साथ ही दो हीरो एक साथ में थे तो सबसे बेस्ट पार्ट किसका? सबसे बेस्ट पार्ट एक्चुअली जब कहानी बीच में रिवील होती है कि किस तरीके से कैसे किस मोड़ पर, वो इन्वेस्टिगेशन पार्ट बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने जैसे कि अभी स्टार्टिंग में बोला कि फिल्म थोड़ी सी और बड़े लेवल पर बन सकती थी, यू नो, एक लखनऊ के लेवल पर फिल्म को फिल्माया, थोड़ी सी और इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर एक फिल्म हो सकती थी, थोड़ा और अच्छा क्राइम ड्रामा बन सकता था, बट फिर भी उन्होंने एक सर्टन स्टेट को लेकर पूरा बनाया। बट फिर भी अच्छी है फिल्म, इंटरटेनिंग है, पौने तीन घंटे की फिल्म होने के बावजूद बोरिंग नहीं है, एक एक सीन छाप छोड़ता है फिल्म का, अच्छी लगी फिल्म। 3.5। विक्रम वेदा के बारे में क्या ही बोलो, बोलने के मतलब तो सुपर डुपर एकदम, इससे ज़्यादा क्या ही बोलो। साउथ की रीमेक है क्या है? नहीं है, डिफरेंस नहीं है, देखिए जो रीमेक बनता है कभी कभी कुछ चीज़ें बनता है अच्छी क्वालिटी के होता है, जैसे कि साउथ ने बनाया है इधर बनाया तो दोनों ही सही है, ऐसा नहीं है कोई अलग ही नहीं है, तो दोनों ही से ज़बरदस्त है। हाँ, सुपरस्टार देखिए दोनों तो वैसे दोनों ही लेजेंड है, देखा जाए तो ऋतिक सर एकदम दिल का गरीब है, उधर इधर सैफ अली खान है, भाई क्या ही बोलूँ, दोनों ज़बरदस्त काम किया है, ज़बरदस्त एकदम है, 5 में से 5 रेट दूंगा भाई। ओके, विक्रम वेदा इज़ गुड, सैफ अली खान एंड ऋतिक रोशन बोथ आर टुगेदर, लाइक इट्स अ गुड कॉम्बो, बहुत अच्छा लगा मुझे उनको साथ में देखे। ऋतिक रोशन इज़ नो डाउट फैबुलस डांसर, तो उनका जो डांस था एल्कोहलिक वो सॉन्ग भी अच्छा था उनका, एंड स्टोरी लाइनअप इज़ लाइक बिट वॉर एंड थ्रिलर टाइप, तो इट्स इंटरेस्टिंग वॉचिंग, लव स्टोरीज को छोड़ के कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया है बॉलीवुड ने, सो आई लाइक इट। इंटरेस्टिंग मूविंग यही है कि वो लाइक सैफ अली खान एंड ऋतिक रोशन एक साथ जब एंड में आते हैं, सो दैट मेक्स बिट इंटरेस्टिंग, और बाकी तो जैसे आप स्टोरी देखोगे इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, सो इट कीप्स ऑन इंक्रीज योर इंटरेस्ट, सो अच्छी है मूवी, आप देखनी चाहिए। वो तो एक साथ है राधिका आपटे, नो डाउट, रोहित सराफ, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता, बट दे आर रियली गुड, कास्ट बहुत अच्छी है एंड आई लाइक द एक्टिंग। म्यूजिक इज ऑसम, डोंट टेल, वो गाना सुनते ही बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है। 4 stars। ऑडियंस ऑब्वियसली देखनी चाहिए, लव स्टोरी तो बहुत रेटेड हो गया, ओवर रेटेड हो गया, सो यू मस्ट वॉच दिस टाइप्स ऑफ मूवीज। फिल्म है, डायलॉग उन जैसे हम उन सबकी क्या बोलते हैं उसको, एक्टिंग देखते हैं ना, और डायलॉग देखने की ज़रूरत नहीं है, उनके चेहरे से सब निकल जाता है, तो डायलॉग क्यों कौन याद रखेगा। दोनों हीरो में से परफॉर्मेंस की बात करें, सबकी मुझे अच्छी लगी, सैफ अली खान, ऋतिक रोशन, राधिका आप्टे अलग अंदाज में दिखी, रोहित सराफ। स्टार की बात करें तो 5 में से 4। मूवी वॉज गुड, डायरेक्शन अच्छा था, एक्शन सीन्स अच्छे थे, ऑल ओवर सस्पेंस क्रिएट किया, जो भी था स्टोरी के फॉर्म में दिखाया वो अच्छा था। बात करें कास्ट की, दो सुपरस्टार एक साथ, इसकी परफॉर्मेंस, कास्ट पहली बात तो ये होना नहीं चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, लखनऊ की बेस्ड स्टोरी बनाई है उन्होंने, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया, आई एम फ्रॉम लखनऊ तो मुझे पता है कि कैसा स्लैंग कैसा एक्सेंट होता है, दोनों ने नहीं किया, वो हीरोइज्म सा दिख रहा था कि मैं हीरो हूँ हीरो हूँ, वो ज़रूरी नहीं था वहाँ पे। बात करें आपको पता होगा ये साउथ की रीमेक है, हाँ आपने साउथ की देखी? नहीं नहीं साउथ की नहीं देखी है, देखूँगा बट जाके। ओके, सो स्टार की बात करें तो 5 में से कितना स्टार? 3 stars। ऑडियंस को बोलूँगा देखो, बॉयकॉट बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो देखोगे ही।
तो आके मूवी देखो। थैंक यू। हाँ, विक्रम वेदा लाइक मुझे अच्छी लगी मूवी। मूवी चलने वाली है, ऐसा नहीं है बॉलीवुड में लाइक काफ़ी टाइम बाद कोई अगर अच्छी एक्शन मूवी की आप बात करो तो ऋतिक लेके आए हैं। और ऋतिक यू नो एज एन एक्शन में अगर आप उनको एक्शन रोल में देखो तो बहुत अच्छा प्ले करते हैं। तो ऋतिक ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। सैफ अली खान का भी पार्ट बहुत अच्छा है, बट ये है कि ऋतिक का एक थोड़ा सा वो था कि मुझे उनका एक्सेंट जो है ना वो थोड़ा सा कहीं पे बहुत सेटिस्फाइंग नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि यूपी का अगर आप प्ले कर रहे हो, बिहारी एक्सेंट टच में आ रहे हो, तो वो थोड़ा लगा। क्योंकि आपने मूवी देखी होगी सुपर 30, तो वही सेम उन्होंने इसमें ऑलमोस्ट किया हुआ है, तो वो थोड़ा मुझे वो लगा। नहीं, कैरेक्टर ज़बरदस्त है, कैरेक्टर लुक्स और जिस हिसाब से कपड़े स्टाइल गैंगस्टर का होना चाहिए बहुत ज़बरदस्त है। और एक्शन भी ऐसा नहीं कुछ फेक लगा या सब रियल, ट्राई किया शो करने का बहुत। आगे की सवाल कुछ इससे पहले आप कितने स्टार देना चाहोगे? मैं 4। तो आपके हिसाब से जिस हिसाब की ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड, उसके बाद ये मूवी के बाद क्या लोग आएंगे थिएटर में? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, मूवी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। और उसके बाद अगर बायकॉट देखिए, पिछले इतिहास को लेके या पिछले किसी भी चीज़ को लेके अगर किसी एक्टर का किया जा रहा है, पर्सनली एक्टर पर अगर पॉइंट आउट करके किया जा रहा है तो भाई उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट अगर मूवी की बात करूँ तो मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि बायकॉट करने लायक हो। हाँ, एक दो जगह मतलब भगवान शिव का रेफरेंस लिया गया है, वो भी एज एन एग्जाम्पल लिया गया है, तो मुझे नहीं लगता बायकॉट करने लायक है कुछ इस मूवी में। हाँ ये बात है। तो सी, ऋतिक की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त थी, ऋतिक के फेम के आगे तो सैफ अली खान का थोड़ा दबा है, लेकिन वही है ऋतिक का एक्सेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे है। बाकी सैफ अली खान में भी बॉलीवुड का वो होता है ना, हीरोइज़म पूरा शो किया है जिन्होंने, तो भाई बॉलीवुड के आप हीरो हो तो आप मतलब चलता है वो, आपको पता ही है, वो थोड़ा शो किया है। तो एक्टिंग दोनों की अच्छी थी, बट ऋतिक ज़्यादा सुपर थे। हाँ प्लीज़ जाके मूवी देखिए, डिसअपॉइंट नहीं करेगी मूवी। मूवी ऐसी है कि शुरू से लेके आखिर तक आपको बाइंड करके रखेगी, और अच्छे से मतलब सेकंड हाफ में कहानी में बहुत ट्विस्ट है तो आपको मज़ा आएगा, ये है। और गाने भी नहीं है कि आप बोर हो जाओ। साथ ही PS1 भी आज रिलीज हुआ है, क्या उसके कॉम्पिटिशन में है? PS1 के कॉम्पिटिशन, PS1 का मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा, तो आई डोंट नो। और मुझे जहाँ तक लगता है ये PS1 से ज़्यादा चलेगी अगर ऐसा कुछ है। थैंक यू। अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, फुल ऑफ एक्शन मूवी है, साउथ की रीमेक है, फिर भी ओरिजिनल से कॉपी अच्छी लगती है कभी कभी। तो आपने साउथ की मूवी देखी हुई है? नहीं देखी है, लेकिन साउथ की जो फॉर्मूला है सक्सेस होने की फिल्म, उसकी ये लोग अभी बॉलीवुड वाले कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई कंटेंट नहीं है, तो फिर भी उसका पैसा वसूल उनको जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग, उसके लिए वो सेफ साइड भी देखते हैं। स्टोरी अच्छी है, डायरेक्शन भी अच्छा है। दो सुपरस्टार एक साथ, सैफ अली खान। हाँ दो सुपरस्टार एक साथ है, जैसा दीवार की याद आ गए अमिताभ और शशि कपूर की। पाँच में से कितना स्टार देना चाहोगे? 4। बॉलीवुड जैसे बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है, तो ये मूवी देखने के बाद क्या लोगों का नज़रिया बदलेगा? एक्चुअली वो बहुत कम लोगों को उसके ऊपर असर होती है। जो पिक्चर देखते हैं हम तो हमेशा पिक्चर देखते हैं, बॉयकॉट हुआ हो गए तो भी हम एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं। थैंक यू। हाँ जी, विक्रम वेगा साउथ की पिक्चर थी, उसको कॉपी किए हिंदी में, लेकिन ये कॉपी इतनी अच्छी बनी है, इतनी अच्छी बनी है, मैंने तो ओरिजिनल नहीं देखी है, ओरिजिनल से भी अच्छी होगी ऐसा मुझे लगा। दोनों सैफ अली खान और दोनों ने, ऋतिक रोशन ने बहुत ही अच्छा रोल किया है, इंग्लिश मूवी जैसे देखते थे हम लोग वैसी ही बनी है। और काफ़ी एक्शन देखने को मिला, एक्शन बहुत अच्छा, ऋतिक का भी ऐसे करके उड़ के फायरिंग करना, इसका भी एकदम मोटरसाइकिल पर जाना सैफ का, और बहुत ही अच्छा है। और गाने की बात करें तो गाना में एक है गाना अल्कोहलिक हुआ, अल्कोहलिक हुआ, उसमें ऋतिक थोड़ा नाचता है तो मज़ा आता है। पाँच में से 3.5-4 स्टार बनते हैं इसके। और दशहरे के मौके पे ये मूवी रिलीज हुई है, तो सैफ अली खान और ऋतिक रोशन ये मूवी में थे तो डबल धमाका था, लेकिन अब ट्रिपल धमाका हो गया। बात करें विक्रम वेदा की, ये पहले से रिमेक मूवी बनी हुई है, तो कैसी लगी पहले और अभी, डिफरेंस क्या था? मुझे जो पहला था तमिल, वो साउथ इंडियन ऑडियंस के लिए था, और ये जो है ये पैन इंडिया के लिए है, तो ये हिंदी में है। बहुत अच्छा डायरेक्शन है पुष्कर गायत्री का, जो कपल हैं, और ये उसमें माधवन थे विक्रम और वेदा थे विजय सेतुपति,
इसमें सैफ अली खान और ऋतिक रोशन दोनों ने ही अपना बोथ द प्रोटैगनिस्ट दे हैव प्लेड द रोल सो वेल कि आपका दिल दहल जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ देखूँ. मतलब दोनों ही, उनका ऑरा इज आउट ऑफ द वर्ल्ड. बोथ ऑफ देम आर फिनोमिनल, रिमार्केबल, कमेंडेबल, और कहीं भी हर सीन में उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी. दे वे इम्पेकेबल, कम्प्लीटली फ्लॉलेस. किस तरह के एक्शन देखने को, एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं. ऐसे कैमरा जब ऐसे यू नो घूमता है तो मतलब आप देखते रह जाएंगे कि वो सिनेमेटोग्राफी जो है पी एस विनोद की, हर एंगल से जो शॉट लिया गया है वो कमेंडेबल है. और मुझे लगता है कि एडिटिंग 15-20 मिनट क्रॉप किए जा सकते हैं. थोड़े बीच में रैंडम सीन्स हैं तो जो इसके रिचर्ड केविन एडिटर हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा. बट डायरेक्शन पुष्कर गायत्री का बहुत अच्छा है फॉर इंडियन ऑडियंस. एल्कोहल गाना ऑलरेडी, एल्कोहल या गाना ऑलरेडी हिट हो गया है. बट और सॉन्ग भी अच्छे हो सकते थे, विशाल शेखर को मैं बोलना चाहूँगा. बट बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है सैम का, और अच्छे परफॉर्मेंसेज, अच्छा डायरेक्टर. इट्स अ मास एंटरटेनर एक्शन थ्रिलर मूवी है, गो एंड वॉच इट. अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों को देखें. उनका जब भी एनकाउंटर होता है वो सीन्स इतने पावरफुल हैं, डायलॉग्स इतने पावरफुल हैं कि आप हर फ्रेम में इंजॉय करेंगे. स्टार की बात करें तो 5 में से कितना स्टार? आई विल गिव 4 स्टार्स. ओके, तो जैसे बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड को, इस मूवी के बाद क्या लोगों का नजरिया? प्लीज़ बॉयकॉट की बात मत कीजिए. पहले ब्रह्मास्त्र मूवी, अभी ये मूवी, ये चलता जा रहा है और ये वही लोग हैं जो सबसे पहले आके मूवी देखते हैं. तो प्लीज़ ये सब इसमें मत आइए. फैमिली एंटरटेनर, नवरात्रि की छुट्टियां चालू है, कम एंड एंजॉय इट विद योर फैमिली, इट्स एन एंटरटेनिंग मूवी. तो ये बॉयकॉट यू नो ये सब बातों में मत जाइए, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है. आइए मूवी एंजॉय कीजिए. ऋतिक रोशन को मैं लंदन में मिला था 2010 में, जब वो ज़िंदगी कभी ना मिलेगी दोबारा के लिए स्पेन जा रहे थे प्रमोशन के लिए. बहुत ही हम्बल एक्टर हैं वो, और आज जो भी उन्होंने ज़िंदगी में मुकाम हासिल किया वो इतनी ह्यूमिलिटी की वजह से. तो वो उनकी मूवी जाके देखिए. सैफ अली खान भी इतना अच्छे से, यू नो ही डजंट लुक दैट ही इज़ 50+. तो दोनों ने अपने आप को इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा है. तो प्लीज़ जाइए, मूवी एंटरटेनर है, एंजॉय कीजिए.